जिस आईपीएस से योगी ने कहा तुम जो कहो वो कर देंगे, उसने ऐसा क्या बवाल काटा कि योगी ने हटा दिया? आईपीएस की वर्दी कमिश्नर की कुर्सी, नेताओं को आपस में भिड़ाना, श्रीकांत त्यागी को बचाना पड़ गया भारी। इधर आईपीएस को योगी ने हटाया, उधर सांसद ने बांटी मिठाई, एक आईपीएस की कहानी में कई कहानी बन गई। यूपी के एक आईपीएस पर योगी ने भरोसा किया, प्रमोशन दिया, कमिश्नर बनाया, हर बात सुनी, योगी के खास भी बने, पर किस गलती पर योगी को बुलडोजर चलाना पड़ा? यूपी में अधिकारियों की मनमानी के आगे बीजेपी नेता, विधायक, यहाँ तक कि मोदी सरकार के मंत्री तक पस्त हैं। गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह पर क्या योगी ने भरोसा कर एक गलती कर दी, या ईमानदारी से काम करने के कारण नोएडा के नेता घबरा गए? सच्चाई क्या थी? किस सांसद ने मिठाई बांटी? आलोक सिंह जैसे तेज तर्रार आईपीएस को योगी को क्यों हटाना पड़ा? किस नेता का दिल्ली से फोन आया? हम सब कुछ बताएं उससे पहले पूरी भूमिका समझिए। आलोक सिंह यूपी के उन अधिकारियों में शामिल है जिन पर योगी व्यक्तिगत भरोसा करते हैं, पर नोएडा की सियासत में आलोक सिंह फंस गए। नोएडा से पावरफुल नेता राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं। दिल्ली दरबार के करीबी महेश शर्मा सांसद हैं। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह की भी ठीक चलती है, जबकि एक तरफ सुरेंद्र नागर और तेजपाल नागर हैं, जिनकी अभी नहीं चलती है। इसी किरदार में एक किरदार श्रीकांत त्यागी का है, जिनको ढाल बनाकर एक नेता ने आलोक सिंह की कुर्सी हिला दी। कहते हैं आलोक सिंह ने ही योगी सरकार को कमिश्नरेट बनाने को लेकर प्लान दिया था। कई सीनियर को काट कर आलोक सिंह कमिश्नर भी बने। यूपी में कमिश्नरेट बनते ही आईएएस लॉबी में भी हंगामा हुआ था, फिर भी योगी ने अपना भरोसा जताया और कमिश्नर बनाया। कहा जाता है कि जब भी योगी नोएडा या दिल्ली आते तब कमिश्नर आलोक सिंह योगी की सेवा में जुटे रहते, पर ऐसा क्या हुआ कि योगी को ही कहना पड़ा कि इन्हें हटा दो और मुख्यालय भेज दो? चेतना मंच वेबसाइट के मुताबिक आलोक सिंह पर गाज इसलिए गिरी क्योंकि वो कमिश्नर की कुर्सी पर बैठकर सियासत कर रहे थे। कुछ नेताओं को खास बना लिया तो कुछ का काम तक रुकवा देते थे। हमारे खास सूत्र कहते हैं एक शिकायत दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली से एक बड़े नेता का फोन लखनऊ सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को गया, जिसके बाद आलोक सिंह को हटाना पड़ा। महेश शर्मा श्रीकांत त्यागी का बढ़ता कद नहीं देखना चाहते थे और आलोक महेश शर्मा का बढ़ता कद नहीं देखना चाहते थे, जबकि कई विधायक और महेश शर्मा आलोक सिंह की ताकत से परेशान थे। महेश शर्मा बीजेपी के ऐसे सांसद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो योगी के बजाय दिल्ली दरबार पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और यही कहानी खुल जाती है। आलोक सिंह साल 2020 में गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर बने। नोएडा के विकास पर योगी की खास नजर है तो कानून व्यवस्था संभाले की जिम्मेदारी आलोक सिंह को सौंपी, पर आलोक सिंह अपने टारगेट से भटक गए। वो नेताओं के गुटों को आपस में लड़ाने लगे और यही एक दिन उन पर भारी पड़ गया। चेतना मंच वेबसाइट के मुताबिक सूत्र बताते हैं कि बड़ा राजनीतिक रसूख रखने वाले कमिश्नर आलोक सिंह ने गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कर्मियों और पुलिस व्यवस्था को अपना मोहरा बनाकर रख दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान माफियाओं और घोटालेबाजों का राज था। बीजेपी के कार्यकर्ता सिंगा पंडित के दोनों पैर सरेआम तोड़ दिए गए। नोएडा के नागरिकों का साफ आरोप है कि आलोक सिंह ने पुलिस को एक पॉलिटिशियन की तरह चलाया। श्रीकांत त्यागी प्रकरण में जिस तरह से पुलिसिंग हुई वो बेहद शर्मनाक थी। ये प्रकरण आलोक के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। दरअसल जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ आलोक सिंह की जमती थी। धीरेंद्र सिंह और आलोक सिंह की ये दोस्ती महेश शर्मा को पसंद नहीं थी, इसलिए पीछे बहुत कुछ हुआ। खबर तो यहाँ तक है कि आलोक सिंह का जैसे ही तबादला हुआ एक सांसद ने मिठाई तक बांटी। जश्न मनाया गया। नोएडा में कमिश्नर रहते आलोक सिंह ने कई अच्छे काम भी किए, पर जातिगत पक्ष लेना, नेताओं में फूट पैदा करना, अभिमानी बनने के कई आरोप भी लगे। वैसे भी इतिहास रहा है गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों की विदाई हमेशा अपमानजनक रहती है। जनता के हित का काम छोड़कर नेताओं की तरह कोई अधिकारी सियासत करेगा तो फिर योगी को भी मजबूर होना पड़ेगा, और जो कभी आंखों का तारा होता है वो आंखों का कांटा बन जाता है। कहते हैं आलोक सिंह ने पूरा नोएडा कंट्रोल में रखा था और यहाँ कई नेताओं को करोड़ों का कारोबार भी है। ऐसे में एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक ताकतवर आएगा, दूसरे को उड़ा कर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।